तो इस तरह हुआ है कि बहुत ज्यादा तूफानी बारिश थी कुछ दिन पहले, तो सामने गली के खंभा है वो शॉर्ट हो गया और चमाड़ियां निकल रही नीले रंग की। फजल इस जगह पे खड़ा हो, पहले फजल यहाँ पे बैठा हुआ है पीछे सोफे पे खाना खा रहा है, और वो सोच रहा है, कह रहा है कि शॉबे शॉबे, और मैं अंदर अपना तो बता, कंप्यूटर के आगे बैठा और कह रहा होले पढ़े होले। लेकिन ना ओले थे ना छापे थे, सामने वाला जो खंभा था उसकी तारें जुड़ गई और बहुत हैवी स्पार्किंग थी और उसकी आवाज थी और वो पर्पल रंग की लाइट थी। छोटा सा क्लिप फजल कैप्चर कर सका है, ये सिर्फ इतना ही, इसके अलावा इतना कोई सीन नहीं हो, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो सका। फोन भी डेड, बैट पहले भी लाइट चली गई और वो प्लेट उड़ी थी इसका सीन। इतनी तेज बारिश, इतना तेज थंडर स्टॉर्म, और ओले तो नहीं पड़ रहे थे, स्पार्किंग हो रही थी, इतनी तेज बारिश और हवा इतनी तेज कि हमारे छत की नुक्कड़ पे, इस जगह पे हमने सोलर पैनल रखा हुआ था, और वो उड़ के ना वो कहीं चला गया, वो मिला नहीं। ये खींचा तार किधर गई है? और ये सिर्फ तार ही रह गई है, ये देख ये ऊपर वाला जोड़ था। इस जगह पे फजल को नजर आया कि ये पॉइंट पे फजल ने नोटिस किया कि भाई किधर है सोलर पैनल, तो ऊपर का हमने मुंह करके देखा था, खींचो भी नहीं रहा था, तार लटक रही, कोई सोलर पैनल का नामो निशान नहीं। मुझे उलझन हो रही थी कि किधर गया सोलर पैनल, उड़ के अगर ऐसे कोने के ऊपर पड़ा है, अगर उड़ के इधर को जाता है पीछे थोड़ी सी हमारी इतनी सी जगह है, वहां पे खड़ा और वहां पे होगा। मैं उतर के बाहर की तरफ गया, उस साइड में भी नहीं था। ये पकड़ नहीं, बहुत महंगी, बहुत महंगी। वही किधर है, यहाँ पे प्लेट पड़ी थी इस जगह पे थी। तार भी दिखा दे रहा हूँ। फजल रुक जा, मुझे सोच में पड़ा हूँ मैं। आज नीचे जाके सोचते हैं यार, किधर गई है प्लेट सोलर पैनल वाली? कोई किसी के सार में लगी होनी है। मैं सेन पूरा चेक किया, छत पूरी चेक की, कहीं भी नहीं देख लिया, इधर भी देख लिया, ऊपर भी देख लिया, कुछ भी देख लिया, पानी जो वेपर मारे। फिर इस साइड पे भी रोड़ी है, इस साइड पे भी खाली एक मैदान है। अब मैंने कहा किधर चला गया, उड़ के इस साइड में उसको ज्यादा अप्रोच है कि अगर हवा आती है जाती है ऐसे, तो थोड़े फासले पे ही बाहर प्लॉट है, नीचे गिर सकता है। पता लगा तो सही, इस साइड को नहीं आया सीधा, ध्यान ना। कोई सीन फजल खाके ले साडे सिर च गिरी हो इतनी जल्दी, पागल तूफानी मौसम में वैसे किस तरह आ, बारिश रुकती है ना तसल्ली से, पावे से इंच ना डिग चार नहीं है, बंद कर दे। कितना था फोन? 17 हो गए, बड़ी गौर फिक्र कुछ नहीं लग रहा। इस साइड पे देखा आता है, आओ टोर्नेडो। इस साइड पे रोड़ी में तो नहीं गिर सका, गिर सकता। सामने वाले जो अंकल थे वो बार बार कह रहे थे, बेटा सोलर पैनल को छोड़ दो, मिल जाएगा सोलर पैनल को छोड़ो। मैनु हैरानगी हो रही किधर गई है उठ के, प्लेट दी खैर गई किधर, नहीं देखी किथे पई, कुछ भी नहीं है आवाज हर जगह। मुझे शक था लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि क्या हुआ है, फिर भी मैंने प्रोजेक्टाइल उसका इसका अंदाजा लगाने की कोशिश की, किधर किधर उड़ गया, किधर गया, किधर गया। गली में इतना गंदा पानी खड़ा हुआ था, इंटेंसिटी बढ़ी इसके अंदर तो बताते हैं साहब, बताओ सोलर पैनल को हमने, मैंने कहा फजल लै ले वेपर, लिया वेपर वाली वीडियो पड़ी है, हमने हमने गली में से वेपर मारने शुरू कर दिए, चेक करना शुरू कर दिया कि किधर
किधर है सब प्रिपेयर है, सामने वाले अंकल कहते ओए गंदे काम ना करो, ओए मैं तो ढूंढ के छोड़ ला किधर गया, वो हंसी जाए। फिर एट लास्ट मेरा शक जो था वो सही निकला, क्या हो और उठा के ले गए थे ना अंदर। हाँ तो उन्होंने पास बराबर हुआ, उन्होंने वो सबसे पहले मौका है वारदात पे मौजूद थे, उन्होंने सबसे पहले गली से उठाया, घर रख लिया कि कोई और ना उठा ले, क्योंकि वो जब तारे जुड़ी थी उसके बाद कोई घर से बाहर नहीं निकला, उनके सवाल सबसे पहले वही निकल। हाँ उन्होंने एक लकड़ी का दरवाजा है बैठक वाली साइड से जो है ना वो बाहर निकल के उन्होंने देखा, पहले वो चाहते देखते रहे, फिर जब उन्हें कन्फर्म हो गया कि क्या है तारे घर टूटी है, कंबल की वजह तो सब कुछ हो, कंबल नहीं साफा साफा एडा वड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਗਲ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫ ਚਟਾਈ ਹੈ ਸਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਠ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸਾ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸੀਨ ਥਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇ ये जो शॉट अभी आपने देखी वो मैंने ब्लेंडर में वीएफएक्स में उसको रिक्रिएट किया सही गया मैं सारा खोज करता है रोड़े छोटे जिथे डिगे ने जिथे दे पुरजे डिगे ने हुन इथे आके मैं के मैं तन्नू पहले कह दस तू परेशान ना हो जदू जदू मैं तारा डिगिया ने ना तू बुआ खोलया बाहर निकलया तू ओसे चुप के अंदर कर ले ते होर में चाके इना दी लुकाई दी लबदी मेहरबानी यार तू चुप लिए चले बंदे उत्ते करना चल इन पौड़ी नु उठे रख ये आज का हमारा व्लॉग फजल क्लोजिंग रिमार्क्स स्पेशल थैंक्स टू प्रोजेक्ट सफी जिसने ये शॉट जो है सबवे पैनल वाली बनाने में मदद की है व्यू तो ना करेंगे हां यार सब्सक्राइब कर दो ये कर दो ओए मेरा सब्सक्राइबर